टीम इंडिया ने जो कमबैक किया है उसकी खास वजह यह है कि ध्रुव जिरेल ने जो इंडिया की इज्जत बचाई है वो दिग्नी दी, यानी कि ध्रुव जिरेल ने जिस तरह की बैटिंग की इस पिच पे जहाँ पे बैट्समैन का टिकना बहुत मुश्किल था, सेवक जयसवाल ने ओपनर जो थे उन्होंने थोड़ी 73 रन की स्कोर किया, लेकिन बकिया और इंडियन बैटर्स चाहे वो सरफराज हो, रोहित शर्मा हो या शुभमन गिल हो, कोई भी बैटिंग नहीं कर सके और सिर्फ ध्रुव ने जो है ना 90 रन की जो इनिंग खेली है, ये वो रन होंगे, ये वो इंपॉर्टेंट रन होंगे जिससे इंडिया ये टेस्ट मैचअप जीतने की तरफ गामजन है। बहुत बहुत बेहतरीन इनिंग थी इस पिच पे जहाँ इतने बड़े खड्डे थे और इंडिया ने ये खुद खड्डे अपने लिए बनाए थे कि अपने लिए फायदा उठाएगा, और उसी का फायदा इंडिया ने वाकई उठा लिया है। दूसरा जो अभी ये इनिंग शुरू हुई थी और इंग्लैंड की पूरी टीम बहुत क्लास की आउट कर दी, यानी कि सिर्फ 37 रन पे इंडिया ने इंग्लैंड के 7 खिलाड़ियों को आउट किया है। उधर से दूसरे इनिंग में जैक रॉली ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन उसके बाद कोई भी सिवाय थोड़ा 30-35 का मुजामत की है बेस्टो ने, वरना सब के सब फ्लॉप हुए। पहली इनिंग में सेंचुरी बनाने वाले जे रूट जो नॉट आउट रहे, इस इनिंग में कुछ नहीं कर सके। कुलदीप यादव को क्रेडिट जाएगा और अश्विन तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है ही इंडियन सरजमीन पे, तो 5 विकेटें फिर से अश्विन ने हासिल की, कुलदीप यादव ने 4 विकेटें हासिल की, क्रूशल विकेटें हासिल की हैं और ऑन टाइम पे हासिल की हैं, और टारगेट बहुत कम है और इस पेज पे अब तक जो है 50 रन के लगभग इंडिया बना चुका है और अब तक कोई आउट नहीं है। इसका मतलब है कि ये सीरीज इंडिया अपने नाम करने जा रहा है, डेफिनेटली ये टेस्ट मैच जीत जाएगा तो इंडिया ये सीरीज अपने नाम कर लेगा, क्योंकि इतना लोएस्ट टारगेट है 192 बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये 200 ओके ऊपर चला जाता है या 250 चला जाता तो डेफिनेटली इस पिच पे और वो भी चौथे रोज बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अभी की जो सिचुएशन साफ नजर आ रही है इस वक्त पूरा का पूरा गेम इंडिया ने अपने हाथ में रखा हुआ है, चाहे वो बैट्समैन के तौर पे हो या बॉलिंग के तौर पे हो। बॉलर्स ने बेहतरीन किरदार अदा किया, उधर थोड़ा कोलैप्स जब हुए थे तो ध्रुव ने बचाया और ध्रुव की इनिंग इंडिया याद इसलिए रखेगा कि यहाँ इंडिया की इज्जत बच गई, क्योंकि अगर ध्रुव नहीं खेल पाते तो सिनेरियो बहुत ही डिफरेंट बदल चुका होता, और ध्रुव अगर 40 भी बनाते और 50 की रन इस वक्त अगर ज़्यादा इंडिया को बनाना पड़ता तो फिर ये वक्त सिनेरियो बहुत डिफरेंट होता, पिक्चर बहुत डिफरेंट होती। लेकिन इस वक्त इंडिया ने बहुत बेहतरीन कमबैक किया है चौथे टेस्ट मैच में, और अब साफ नजर आ रहा है कि इंग्लैंड जो बेसबॉल क्रिकेट के मास्टर थे वो बिल्कुल बुरी तरीके से डबरदूस होकर रह गए इंडिया में और बिल्कुल टोटली नाकाम हुए हैं, और उनकी ये स्ट्रैटेजी नहीं चल सकी, और चौथा टेस्ट मैच हारने का मतलब ये हुआ कि इंडिया को ये सीरीज पे कंप्लीट शिकस्त हासिल हो जाएगी और 3-1 की शिकस्त हो जाएगी इंडिया को इस सीरीज में। फिर पांचवा चाहे इंग्लैंड जीत भी जाए तब भी वो 3-2 ही होगा, लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो नजर आ रहा है इंडिया ये टेस्ट मैच जीत के सीरीज अपने नाम कर लेगा। और बड़ी बात यह है कि इस सीरीज में ना विराट कोहली है ना KL राहुल है, कोई बड़ा खिलाड़ी यहाँ मौजूद नहीं था, और उसके ना होने के बावजूद इंडिया ने कमबैक किया। असल चीज़ इंडिया की स्ट्रेंथ अश्विन और आपको पता है जडेजा और कुलदीप यादव हैं, और कुलदीप यादव ने अपना वही किरदार अदा किया, ऊपर से जयसवाल खेल लेते हैं तो बीच में सरफराज और पंजे तो और दूसरे खिलाड़ी खेले थे, फिर अब ध्रुव भी अच्छा खेलना शुरू हो गया, शुभमन ने भी सेंचुरियां मारी, तो एक पूरा कंप्लीट पैकेज टीम इंडिया का तैयार बैठा हुआ है। आप लाख इख्तलाफ करें कि हाँ कुछ डिसीशन इंग्लैंड के फेवर में नहीं गए, मैं देख रहा था माइकल वॉन ने लगाया अपने ट्विटर अकाउंट में इससे पहले बैन स्टोक्स ने पिछले टेस्ट मैच में भी ये बोला था कि डीआरएस ने सारी सिचुएशन खराब करके रख दिया, हमारा एक खिलाड़ी आउट होता है फिर लाइन लग जाती है। मैं मानता हूं कि DRS का रिजल्ट्स बहुत सारे इफेक्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने HBL PSL जो चल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग उसमें भी यही मसले देखे हैं, वो शादाब ने भी कंप्लेन की थी, फिर अभी मुल्तान के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें भी 2-3 ऐसे डिसीशन थे जो क्लियरली LBW थे लेकिन वो DRS ने बिल्कुल बदल के रख दिए, ये सिचुएशन नज़र ज़रूर आ रही है। अब ये इस पे ICC को बैठ के बात करनी पड़ेगी, सिचुएशन को देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा जहाँ है वहाँ टेक्नोलॉजी का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी जो आउटकम सही नहीं आ रहे हैं उसको देखना पड़ेगा ICC को। लेकिन अगर ये कहना कि सिर्फ इस वजह से भी सिचुएशन बदल रही है, मैं माना ये सिचुएशन बदल जाती है, अगर आपका एक मेन सेटल बैट्समैन आउट हो जाए तो फिर सिचुएशन और बिल्कुल ही गेम बदल जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी जैसे इंग्लैंड मशहूर है, और अगर आप इंडिया की बात करें तो शुरू में हमें लगा कि जयसवाल और शुभमन गिल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, लेकिन जो कमबैक किया जयसवाल और शुभमन गिल ने, फिर रोहित शर्मा ने बीच में एक सेंचुरी मार दी,
जायसवाल दो डबल सेंचुरी मार चुके हैं, शुभमन गिल एक सेंचुरी मार चुके हैं, एक पॉइंट बेचारे सेंचुरी के करीब थे वो आउट हो गए। उसके बाद सरफराज की अच्छी बैटिंग डेब्यूटेंट पे चल के अच्छी आ रही है, फिर तो सिचुएशन सारी नजर आती चली जा रही है। फिर अभी दुरेब ने अच्छी इनिंग खेली, उस वक्त पजेदा ने अच्छी इनिंग खेली थी, तो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। यंगस्टर भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जो सीनियर है वो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। स्पिन अटैक आपको पता है, बुमराह को ना भी हो तब भी दूसरे आकाशदीप ने आपको विकेट निकाल के दे देनी है, फिर दूसरे एंड से सिराज निकाल के दे देनी है, तो फिर स्पिनर्स तो मैं बता ही चुका हूँ। तो एक कंप्लीट टीम इंडिया पैकेज तैयार बैठा हुआ है, आईपीएल आप इनके सामने है, इंडिया अपनी सरजमीन का मास्टर है, खड्डे करके भी जीते कोई मसला नहीं, लेकिन देखिए वो उनका राइट है, लेकिन परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो इसी खड्डे पे, उन्हीं के बैट्समैन भी तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, वो भी तो बैटिंग कर रहे हैं ना, तो दोनों एंड से ही बराबर का सिचुएशन चलने की ज़रूरत है और वो नज़र भी आ रही है। तो एनीवेज इंडिया ने कमबैक किया है और कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडियन पब्लिक, इंडियन टीम के जिस तरह उनकी टीम इस वक्त बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, क्योंकि बेसबॉल क्रिकेट को हराना आसान नहीं था। आपको भी पता है कि बेसबॉल क्रिकेट वाले छोड़ते नहीं है, जिस तरह की उन्होंने एशेज सीरीज खेली है आपको भी पता है, बेशक वो एशेज रिटेन नहीं कर सके लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं एशेज की। दूसरी तारीफ मैं दूंगा शोएब बशीर की, यार उस बशीर शोएब की जो भी उसमें बेहतरीन बॉलिंग करता है, ये लड़का 5 विकेट हासिल की अपनी पहली लाइफ की इनिंग की, और क्रेडिट जाता है उस लड़के को भी कि बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की है। और दूसरे एंड से कोई वो कहते हैं ना कि इसको वो सपोर्ट टीम मिली, रिहान चले गए वापस होम अपने और वो नहीं खेल सके, लेकिन दूसरे एंड से जैसे अब जैसे एश्विन को दूसरे एंड से जडेजा या कुलदीप की सपोर्ट मिल जाती है ना, तो इसी तरह शोएब बशीर को जो है ना वो कहते हैं ना वो सपोर्ट उस लड़के को नहीं मिल पा रही है, तो इसी वजह से इंग्लैंड यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। और फिर बैट्समैन की बात की जाए तो ओली पोप पहले इनिंग में चलो अनलक्की थे, वो आउट नहीं था, इतने आगे जाके भी अगर डीआरएस और हकाय बता रहे कि वो विकेट को टच हो रही कि LBW रहता तो मैं हैरान था, लेकिन दूसरी इनिंग में भी 0 पे आउट हुए। और फिर ऊपर से उनके और सबसे बुरी बात और सबसे अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि जॉनी बस्ट्रो बिल्कुल ही और बैन स्टोक्स ये दोनों परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, बैन स्टोक्स से ना बैटिंग हो रही है और फिर बैन स्टोक्स को बॉलिंग कर ही नहीं रहा आपको भी पता है, तो फिर बैन स्टोक्स एज अ कैप्टन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी नहीं है। लेकिन टीम इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो कि ये टेस्ट मैच वो जीतने के बहुत करीब है, आज जो ये मैच खत्म हुआ है 3rd दिन का, इस अब कल 4th दिन है, बहुत ईजी टास्क नहीं होगा मैं जानता हूँ, 4th दिन आसान गेम नहीं होता है, लेकिन इंडिया इसको पार लगा लेगा और मुझे लगता है कि इंडिया आराम से 4-6 या 5 विकेटों से ये टेस्ट मैच आराम से जीत जाएगा। बाकी आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।